नमस्कार दोस्तों, जनपद सोनभद्र में आज मैं ऐसी जगह पे आया हूँ और गाय माता के संरक्षण में और उनके गौमूत्र से जो औषधियाँ तैयार की जाती हैं वहाँ पर मैं आया हूँ डॉक्टर मनोज कुमार चौबे जी के पास। और मैं जानकारी करूँगा गाय माता के संवर्धन में और उनसे जो दवाइयाँ बनती हैं गौमूत्र से और गोबर से, उसके बारे में मैं जानकारी आप लोगों को भी दिलवाऊंगा। अब डॉक्टर साहब का परिचय मैं उन्हीं के द्वारा आप लोगों को दिलवाता हूं। डॉक्टर साहब अपना परिचय दीजिए। मैं गव्य सिद्ध डॉक्टर मनोज चौबे जी, और गाय के गव्यों से मैं दवा बनाने और प्लस उसे बेचने के लिए यहाँ मैंने क्लिनिक खोल रखा है जी। तो ये सूत्र जो लिखा उन्होंने, गाय रखने का मतलब हम उसे उपयोग भी जाने, गौमूत्र और गोमय दुग्ध छाछ इसका मगर जिस दिन उपयोग जान जाएंगे हमें किसी औषधि की ज़रूरत नहीं है। हमारे आज जितने इंसान की संख्या, आज डॉक्टरों की दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन रोग नहीं दूर हो रहे हैं, रोग ही बेचारे गायब हो जा रहे हैं। हैं, कोरोना काल में कितने लोगों का प्राण चला गया। इस संकट में, विषम परिस्थिति में हमारे गव्य सिद्ध लगभग 6000 से ऊपर की संख्या में है। उन्होंने जहाँ जहाँ रहा उन्होंने उसको थामा, उसको बचाने के प्रयास में बेचारे वो शामिल रहे छोटे सिपाही के रूप में। लेकिन गाय एक समंदर है और हम लोग उस समंदर के बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत मुझे जो जानकारी है मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। डॉक्टर साहब एक बात मैं पूछना चाहूँगा, इसकी जो आप दवाइयाँ और ये जो मेडिसिन हैं गौमूत्र से और या गोबर से, इसको क्या आप अपने हाथों से बनाते हैं या बाहर से मंगाते हैं? जी, हम समय अभाव के बना सकते हैं। इस पर समय अभाव के कारण जो गव्य सिद्ध हैं, जो डॉक्टर हैं, हम उन्हीं से मंगाते हैं। जिन्होंने वो कोर्स किया है तो अब उनके पास गौशाला है। अब गाय के लिए एक हम प्रोडक्शन बहुत नहीं है, गाय के लिए 10 नियम है गौमूत्र लेने के। एकादशी में नहीं लेते हैं, अमावस में नहीं लेते हैं, गाय स्वस्थ होनी चाहिए, कान गर्म हो, तो ये सारी चीज़ें उनको देखते हैं। गर्भावस्था ना हो, गर्भावस्था में क्या कंडीशन होनी चाहिए उसके लिए नियम है, उसको सब सूत्र को फॉलो करते हुए उसको लिया जाता है। तो इसके लिए स्पेसिफिक आदमी चाहिए जो उसको लोकन करे, वो जमीन में धरती में नहीं पड़ा हो, उसको लोकते हैं फिर उसके बाद छानते ऐसे इस प्रकार। तो इसके लिए मैन पावर चाहिए। तो हम जो लोग इसमें कार्य में लगे हुए हैं गौ संवर्धन में, और हमारा गंगा सेवा ट्रस्ट इसमें अभी बेचारे शुरुआत यहाँ शुरू हो गया है, अगर ये स्वस्थ गाय हेल्दी है तो मैं प्रयास करूँगा कि हमारे गव्य सिद्ध को रख करके वहाँ ये दवा का निर्माण हो जिससे गाय हमारी स्वावलंबी बने। और जो गौ वंश पालक है, अधिकतर हमने देखा है कि दूध निकालने के बाद उनको जो है लोग रोड पर छोड़ देते हैं जहाँ पर वो पोलोथीन वगैरह कुछ कूड़ा कचरा खाती रहती हैं, जो ये बहुत ही दुष्कर्म है उन लोगों के लिए जो दूध निकालने के बाद उनको लावारिस छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके बारे में आप लोग, आपका क्या संदेश है? हमारा मतलब मुझे ये है कि मैं उन लोगों पर दुख होता है और सबसे ज़्यादा दुख इस बात का उनके वो ज्ञान नहीं है उस चीज़ का। जिस दिन उन्हें समझ में आएगा कि जो गाय के गोबर से हमारे शरीर से टॉक्सिन निकल जाते हैं और गाय का गोबर भी बहुत कुछ दे सकता है हमको, गाय के गोबर में ताजे गोबर में 23% ऑक्सीजन है और हम उसको पोलोथीन और जहर खाने पर मजबूर कर देते हैं, तो ये चीज़ें हमें दुर्भाग्य कहेंगे कि अगर वो गौ संपदा अपने पास रखें और उसके गोबर को संग्रह करके और उसको गोबर के संग्रह से और गव्य सिद्धों की मदद लेकर के वो चाहे तो कुछ दवाएं बनाए, और कुछ अगर खेत से किसान भाई हैं तो हमारे खाद बनाए उत्तम किस्म के, और उस उत्तम किस्म के खाद से उनके पैदावार भी बढ़ेंगे और दूसरी चीज़ें औषधियों से पैसे भी आएंगे जो दवा। और यहाँ पर हमारे गंगा सेवा ट्रस्ट से भी हमारे भैया जी हैं और इनका भी मैं स्वागत करता हूँ, और इनसे मैं जानकारी करूँगा कि इन्होंने जो अपनी संस्था चला रखी है गंगा सेवा ट्रस्ट, इसके बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले मैं तो परिचय आपका दर्शकों को दिलाना चाहूँगा। जी, मेरा नाम सदानंद सोनी है जी, और गंगा सेवा ट्रस्ट मैं नहीं चला रहा हूँ बल्कि ये ट्रस्ट मुझे चला रही है जी। ये एक ऐसी संस्था है जिसमें कुछ उद्देश्य रखे गए हैं और उसमें प्रथम उद्देश्य सिर्फ इतना रखा गया है कि जो भी निराश्रित गौएं हैं, घायल हैं, परित्यक्त हैं,
जिन्हें लोग ये मानते हैं कि अभी ये उनके काम की नहीं रही, बछड़ा सांड दूध न देने वाली गाय बूढ़ी गाय, हम उनकी सेवा और संरक्षण का कार्य करते हैं। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि इस कार्य में मुझे जन जन का सहयोग मिल रहा है। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर गौएं माता हैं तो वो कूड़ा कचरा खाने को मजबूर क्यों हैं? अगर हम ये कहें कि हमें दूध पिलाने वाली माँ है तो ये माँ भी तो हमको जीवन भर दूध पिलाती है, तो इसे हम अगर माँ मानते हैं तो आज आखिर क्या कारण है कि वो अपने दुर्दिन को देख रही है? रोड पे अक्सर जो हमारी गाय या बछड़े घायल अवस्था में घूमते रहते हैं, पाँव में बहुत बड़े बड़े घाव होते हैं, मजबूरी बस वो इधर उधर पड़े रहते हैं, उनकी सेवा करने का सौभाग्य हमारे गंगा सेवा ट्रस्ट के हैं। आप कैसे ये मैनेज करते हैं, कैसे विचार आए आपके कि ये रोड पर जो घायल अवस्था में गाय हमारी घूम रही है इनकी सेवा की जाए? जी, एक बार मैं अपने घर से दुकान आ रहा था तो किसी गाय को किसी वाहन से टक्कर लग गई थी और वो तड़प रही थी। और सच कहूँ तो उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मैं संगठित रूप से नहीं था। फिर भी मैंने थोड़ा प्रयास किया कि कुछ इसके लिए किया जाए। जब मैंने प्रयास किया तो अचानक से 10-15 लोग आ गए और ऐसा लगा जैसे कि वो इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ ऐसा शुरू हो और हम भी लग जाएं। और उनके प्रयासों के द्वारा तत्काल वाहन किया गया, उसे उठाया गया, उसे जो है पशु चिकित्सालय ले जाया गया, उसकी पूरी इलाज हुई, ऑपरेशन भी हुआ, उसका एक पैर काटना पड़ा, लेकिन वो गाय बच गई। और जब वो बच गई तो ऐसा महसूस हुआ कि शायद यही वो काम था जिसे मैं कई वर्षों से खोज रहा था। देखिए, कहा भी गया है कि एक ही साधे ना सधे और सब साधे सधे साथ। इसमें यह है कि सहयोग आप लोगों का बहुत ज़रूरी है। ये जो गायें हमारी लावारिस अवस्था में घूम रही हैं, और मैं विनम्र निवेदन करूँगा उन लोगों से जिनकी गाय जो अपने यहाँ रखते हैं पालतू में और दूध निकालने के बाद रोड पर छोड़ देते हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करूँगा कि उनको यथासंभव अपने यहाँ रखें और उनका उनकी देखभाल ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी अवस्था में वो दुर्व्यवस्था में पहुँच जाती हैं और घायल अवस्था में घूमती रहती हैं, ये चीज़ गलत है। और मैं यहाँ पर उपस्थित सदानंद जी से अनुरोध करूँगा कि गंगा सेवा ट्रस्ट की तरफ से हमारे डॉक्टर साहब को सम्मानित करें। आदरणीय डॉक्टर मनोज चौबे जी को मैं तहे दिल से बार बार धन्यवाद देता हूँ कि आपके इस पुनीत सहयोग से हम सभी इस कार्यों को आगे बढ़ाने में सक्षम हो रहे हैं, और आपके सहयोग से निरंतर ये कार्य चलता रहे और माता कामधेनु नंदिनी गौ माता का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे और हम एक समृद्ध भारत का निर्माण कर सकें। क्योंकि एक लाइन कहा जाता है, जा दिन धरा धेनु ना होई रसा रसातल ताछन खोई, यानी जिस दिन इस धरती पे गौ माता नहीं रहेंगी ये पूरा पृथ्वी नष्ट हो जाएगा। तो आदरणीय मनोज चौबे जी निरंतर अपना पुनित सहयोग देते रहें और उनके पुनित विचारों से हम सभी अनुग्रहित होते रहें। इसी सद्भावना के साथ मैं आदरणीय मनोज चौबे जी को सम्मानित करता हूं और ये एक छोटी सी डायरी है जिन पे अपने पुनित विचारों के साथ साथ इस संस्था को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए इसके भी बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय दे दीजिए पहले। मेरा नाम प्रवीण कुमार अग्रवाल है जी। मैं स्वर्गीय श्री किशोरीलाल जी का पुत्र हूँ। हमारे अग्रवाल जी को ये वस अंग वस्त्र दे करके सम्मानित करें। सदानंद जी अग्रवाल जी को सम्मानित करेंगे। आपके सम्मान में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। मैं सदानंद जी का आभारी हूँ और साथ में मैं अपने आप को भी आभार करता हूँ कि मैंने गंगा सेवा ट्रस्ट की सेवा का संकल्प लिया है और आप लोगों के आशीर्वाद से यह सेवा निरंतर चलती रहेगी। इसी के साथ मैं संजय श्रीवास्तव आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।